नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल फोरम पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मटेरियल साइंस का पार्ट फाइव, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एलॉय स्टील और उसके जो भी कंपोजिशंस होते हैं, फिर साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि मैं आपसे क्या बात करूँगा और आपको क्या सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। देखिए क्या रहेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा वो स्टील के बारे में बताएंगे। तो देखिए स्टील में क्या है, किल स्टील, सेमी किल स्टील, रिम्ड स्टील क्या होते हैं, तो उसके बारे में, उसके कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये बताऊंगा। फिर साथ ही साथ नेक्स्ट रहेगा आपका एलॉय स्टील पे आऊंगा, तो एलॉय स्टील में जो भी कंपोजिशन रहते हैं, कितने तरह के एलॉय स्टील्स होते हैं, फिर जो मटेरियल्स होते हैं जो जो एलॉइंग करते हैं एलिमेंट्स के, तो उसके जो एलॉइंग करने के बाद क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको डिस्कस करूंगा। फिर आपका जो स्टेनलेस स्टील है, उसके बाद उसके जो कैटेगरीज होती है स्टेनलेस स्टील की, टाइप्स होते हैं, जैसे फेरेटिक होता है, ऑस्टेनेटिक होता है, मर्टेनसिटिक होता है, लो थर्मल एक्सपेंसिव, या फिर जिसको एक्सपेंशन स्टील, या फिर जिसको बोलते हैं इनवायर स्टील बोलते हैं, तो इस पर डिस्कस करूंगा। फिर आपका एलॉय स्टील में आपके हाई स्पीड स्टील, मैराजिंग स्टील होते हैं, मशट स्टील, हेड फिल स्टील जिसको मैंगल या फिर मैंगनीज स्टील भी बोलते हैं, फिर आपका ट्रिप स्टील, इसके बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्हीं टॉपिक से पिक किया है मैंने, इन्हीं टॉपिक से उठाया है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पुट किया, आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन मेरे पास आते रहेंगे तो नेक्स्ट मैं आपको कंप्लीट कराता रहूंगा। तो देखिए इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप बात करेंगे, पहला जो आज स्टील का टाइप है वो है किल्ड स्टील, जिसको बोलते हैं डी ऑक्सीडाइज स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा 0.25% से ज्यादा होता है, मतलब ये मीडियम कार्बन स्टील के कैटेगरी में आता है और ये कंप्लीटली डी ऑक्सीडाइज होता है। डी ऑक्सीडाइज मतलब कि जब आप कास्टिंग करते हैं स्टील की, तो जब वो मोल्टन स्टेट में रहता है तो उसमें हम कुछ डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम, फेरोसिलिकन या फिर मैंगनीज होते हैं, इसको ऐड करके हम डीऑक्सीडाइज करते हैं। डीऑक्सीडाइज क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे उसमें गैसियस फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं जो गैस बनाते हैं, फिर उसके चलते वो गैस जब नीचे मोल्टन स्टेट में जब गैस वेपराइज होती है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, जो बाहर निकलती है तो एक होल बना देती है, पोरोसिटी जिसको बोलते हैं, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम इसको डीऑक्सीडाइज करते हैं, फिर किलिंग करते हैं। इसी को तीन कैटेगरी में बांटा है, किल्ड स्टील, सेमी किल्ड और रिम्ड स्टील। तो जो किल्ड स्टील में होता है उसमें हमको पोरोसिटी, फ्री फ्रॉम पोरोसिटी होता है, फिर केमिकल होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब कि एक जैसा, जैसे अगर उसमें 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट हमेशा उतने ही क्वांटिटी में रहेंगे, चाहे जितना बड़ा सैंपल लीजिए, चाहे छोटा सैंपल लीजिए, चाहे जहां से पूरे मतलब एक स्टील का ब्लॉक है उसमें से कहीं से भी कोई सैंपल उठा लीजिए, उस सब में उतने ही कंटेंट हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, उसी बोलते हैं होमोजेनियस। अब जो दूसरा कैटेगरी है उसको बोलते हैं सेमी किल्ड स्टील, जिसमें 0.15 से 0.25% कार्बन होता है, मतलब कि लो कार्बन स्टील के कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे इसको पार्शियली डीऑक्सीडाइज करते हैं और सेम एलिमेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, फेरोसिलिकन, थोड़े से कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज करते हैं जिससे वो पार्शियली उसको डीऑक्सीडाइज कर सकें। तो क्या होता है कि देखिए उसमें भी केमिकल होमोजेनिटी आपको बराबर मिलती है, फ्री फ्रॉम गैस पोरोसिटी होता है। जो नेक्स्ट है वो आपका रिम्ड स्टील होता है, इसको बिल्कुल भी डीऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, पार्शियली या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ये भी इसमें जो कार्बन होता है मिनिमम मतलब कम से कम 0.25 होता है, उसके नीचे ही रहता है। फिर क्या होता है देखिए, इसका जो इजिली बेंडेबल होता है ये भी फ्री फ्रॉम वाइट्स होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डीऑक्सीडाइज नहीं करते तो होल्स होते हैं वो भी सरफेस के ऊपर रहते हैं, बाद में हम इसको रोलिंग करके, हॉट रोलिंग करके या फिर शॉर्ट पिनिंग करके उसको हम निकाल सकते हैं, और इसीलिए रिम्ड स्टील को बोलते हैं ड्रॉइंग क्वालिटी स्टील, मतलब ड्रॉ करने की एबिलिटी, मतलब बेंड कर सकते हैं इजिली, इसको बेंड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है जो भी कार्बन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है वो निकलने लगता है बहुत तेजी से, इसके चलते होल्स बन जाते हैं सरफेस पे, पोरोसिटी बन जाती है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, हॉट रोलिंग करके हम निकाल सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से, और किल्ड स्टील को डिनोट करते हैं के से। सेमी किल्ड स्टील के लिए कोई भी डिनोट करने के लिए कोई वर्ड नहीं है। अब बात करते हैं एलॉय स्टील की, तो देखिए एलॉय स्टील में आपको मिलेगा, देखिए एलॉइंग क्यों करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टील में एडेड या फिर एलॉयड करते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट को अदर देन कार्बन, कार्बन तो हम करते हैं, कार्बन भी ऐड करते हैं उसको भी एलॉइंग बोलते हैं, लेकिन उसको हम कार्बन स्टील बोलते हैं। अब एलॉय स्टील की बात करें तो हम एक से ज्यादा एलिमेंट की एलॉइंग करते हैं स्टील की प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए। अब देखते क्या क्या एलॉइंग करते हैं, देखिए मेनली क्या होता है, मैंगनीज होता है, सिलिकन होता है, क्रोमियम, निकिल, टंगस्टन, टाइटेनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये सब ऐड करते हैं। फिर आपका जो है एलॉइंग जो प्रोड्यूस करता है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है, हर एलॉइंग एलिमेंट का अपना एक एडवांटेज है। जब आप ऐड करते हैं, जैसे क्रोमियम ऐड करते हैं तो आपको
हाई करोजन रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसी तरह आपको हर हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जब आप अलॉइंग करते हैं स्टील के अंदर। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही बताऊंगा कि एक एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा वो क्या करता है। और देखिए एलॉय स्टील क्या होते हैं, जब एलॉइंग कर देते हैं तो वो बहुत ही हीट ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, हीट ट्रीटमेंट बहुत आसानी से होने लगता है उसका, फिर मैकेनिकल ट्रीटमेंट या हीट ट्रीटमेंट बहुत ईजिली हो जाता है। फिर आपका देखिए अब इसमें कैटेगराइज किया गया कि एलॉइंग कितना परसेंटेज कर सकते हैं, तो माइक्रो एलॉय स्टील कंटेन, देखिए एक होता है जब आप कंटेन जब एलॉइंग एलिमेंट को 0.05 से 0.15% तक करते हैं, कोई भी एलिमेंट है एक दो दस जितना भी ऐड करें लेकिन वो मैक्सिमम 0.015 टू 0.15 है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो एलॉय स्टील। इसी तरह आपका लो एलॉय स्टील है जहाँ पे लेस देन 5% एलॉइंग एलिमेंट होता है, मतलब कि आपको 95% स्टील है उसमें लेस देन 5% एलॉइंग एलिमेंट है, 95 से ज़्यादा आपका स्टील है और 5% से कम एलॉइंग एलिमेंट होने की वजह से आपको उसको बोलते हैं लो एलॉय स्टील। इसी तरह आपका मीडियम एलॉय स्टील जहाँ पे 5 से 10% एलॉइंग एलिमेंट होता है, फिर आपका हाई एलॉय स्टील जो कि 10% से ज़्यादा एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, वो एलॉइंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे हैं आपके, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से एलॉइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्या अलाउइंग करते हैं तो क्या हमको मिलता है, मतलब किस एलिमेंट को हम ऐड करने में स्टील पे किस तरह की प्रॉपर्टीज हमको मिलती है। देखिए जो पहला है वो कार्बन है, कार्बन ऐड करने से हमको हार्डनेस मिलता है, हम आपको पहले आयरन कार्बन डायग्राम में बताया था, हार्डनेस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ता है, मशीनेबिलिटी बढ़ती है। फिर आपका दूसरा हम ऐड करते हैं टंगस्टन, उसके क्या होता है टंगस्टन ऐड करने से हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, मतलब जब कोई स्टील को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर तक या फिर कभी कभी एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर हमको यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह आपका हार्डनेस बढ़ जाता है, रेड हार्डनेस बढ़ जाता है, फाइन ग्रेन्स बढ़ जाता है। आप समझते हैं रेड हार्डनेस क्या, देखिए रेड हार्डनेस है फिर हॉट हार्डनेस जिसको बोलते हैं, जब आप मटेरियल को हीट करते हैं और हाई टेम्परेचर पर उसकी हार्डनेस रिटेन रहे, उसकी हार्डनेस बनी रहे, उसी को बोलते हैं रेड हार्डनेस। ये बहुत ही अच्छी बात है टूल स्टील के लिए, जो भी टूल्स बनाते हैं स्टील से, तो क्या होता है कटिंग करते हैं मशीनिंग करते हैं तो टूल बहुत हीट हो जाता है तो उसमें उसकी हार्डनेस लूज हो जाएगी तो वो टूट के निकल जाएगा, मतलब अगर हार्डनेस लूज होगा तो डक्टाइल हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा तो वो निकल जाएगा मटेरियल। इसलिए हाई टेम्परेचर पर हार्डनेस मेंटेन रहने के लिए ये इस तरह की प्रॉपर्टी स्टील के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो इसी को बोलते हैं रेड हार्डनेस या फिर हॉट हार्डनेस बोलते हैं। और आपको फाइन ग्रेन टंगस्टन ऐड करने से आपको फाइन ग्रेन्स मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के, नेक्स्ट एलिमेंट है निकल, निकल को ऐड करने से आपको स्ट्रेंथ मिलता है, टफनेस मिलता है, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट, मतलब जो सडन लोड होता है उसको रेजिस्ट करता है निकल ऐड करने के बाद। फिर और ये स्टेबलाइज करता है ऑस्टेनाइट को, मतलब ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज कर देता है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे स्टेबलाइज करता है, आपको ऑस्टेनाइट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आपका मैंगनीज भी एक ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है, आपको बताऊंगा उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये ब्रिटलनेस जो सल्फर रहता है, एक तरह से इम्प्योरिटी होती है सल्फर स्टील के अंदर, उसके चलते ब्रिटलनेस आता है मटेरियल में स्टील में, तो उसको ये लोअर कर देता है, मतलब कम कर देता है मैंगनीज ऐड करने से। नेक्स्ट आपका क्रोमियम, क्रोमियम बहुत ही कॉमन तरह के एलिमेंट है, एलॉइंग एलिमेंट जो आपको वियर रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस और हार्डनेबिलिटी देता है, मतलब जो भी करोजन रेजिस्टेंस रहता है, करोजन रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है क्रोमियम। आपको क्रोमियम के बेस पे स्टील के स्टेनलेस स्टील की डिवाइड किया गया 3 से 4 तरीकों में, आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका कॉपर, कॉपर को ऐड करने से आपका जो एटमॉस्फेरिक करोजन होता है, एटमॉस्फेरिक करोजन मतलब जैसे आपका एटमॉस्फेयर बहुत सारे लाइक मॉइस्चर हैं, गैसेज हैं, उसके चलते जो करोजन होता है उसको वो रेजिस्ट करता है, और ये भी एक तरह से स्टेबलाइजर है। गामा आयरन मतलब ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज करता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आपका सिलिकन, सिलिकन अगर आप ऐड करते हैं तो स्टील के अंदर स्ट्रेंथ आता है और ये ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। देखिए ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि केमिकल डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करता है। अगर सिलिकन आप ऐड करते हैं तो जो केमिकली डिग्रेड होता है मटेरियल, भाई एनवायरमेंट में बहुत सारे केमिकल गैसेज हैं हवा में, अपित जो भी मॉइस्चर है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों से जो डिग्रेडेशन होता है मटेरियल को उसको रेजिस्ट करता है। फिर आपका नेक्स्ट है बोरान, बोरान ऐड करने से आपका हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब मटेरियल हार्डनेबिलिटी क्या मतलब सरफेस से नीचे जाए, मतलब एक मान ली 10 mm का थिकनेस का आपने कुछ स्टील का सैंपल ले लिया, उस सरफेस से नीचे जाएंगे जितना 1 mm 2 mm तक जाने के जो एबिलिटी होती है वही, मतलब कि कितने अंदर तक हार्डनेस बढ़ती है,
तो ये भी डिपेंड करता है मटेरियल आपने क्या ऐड किया। तो बोरान ऐड करेंगे तो आपका हार्डनेस का जो लेवल है 1 mm से लेके 2 mm तक डिपेंड करता है कितना आप ऐड करें। उस तरह से आपको वही बोलता है कितने डेप्थ तक, कितने अंदर तक मटेरियल की हार्डनेस इंप्रूव हो रही है, इसे बोलते हैं हार्डनेबिलिटी। तो बोरान ऐड करने से वो आपको इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आपका है टाइटेनियम। टाइटेनियम आपको देता है स्ट्रेंथ और करोशन रेजिस्टेंस देता है। फिर इसी तरह आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप भी एक तरह से डी ऑक्सीडाइजर है और ये फाइन ऑस्टेनाइट बनाता है। फिर आपका मॉलिब्डेनम में जो हाई टेम्परेचर क्रीप और टफनेस, मतलब फिर से आपका टफनेस और क्रीप हाई टेम्परेचर पे क्रीप, मतलब एक तरह से जो प्रोग्रेसिव फीलिंग होता है मटेरियल का धीरे धीरे टाइम के साथ वो आपको मेंटेन रखता है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, फिर टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में कई दिनों तक काम करते हैं, तो वहाँ पे वो अगर हाई टेम्परेचर काम करेंगे तो क्रीप फेलियर होने लगता है। तो उसको रोकने के लिए मॉलिब्डेनम यूज करता है। तो हाई टेम्परेचर क्रीप और टफनेस इंप्रूव करता है, करोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है। इसी तरह आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट बहुत ही एक तरह से बहुत अच्छा मटेरियल, एक तरह एलॉयिंग एलिमेंट है। उसको ऐड करने से आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, हार्डनेस और हीट स्टेबलाइज करता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, रिफाइन करता है ग्रेफाइट और पायरलाइट को। आपका वैनेडियम ऐड करने पे आपको मिलता है स्ट्रेंथ और हार्डेनेबिलिटी। हार्डेनेबिलिटी आपको बताया कि कितने डेप्थ तक हमको हार्डनेस इंप्रूव हो रही, उसी बोलते हैं हार्डेनेबिलिटी, और फाइन ग्रेन बनाता है। और आपको जर्कोमियम, जर्कोनियम ऐड करने पे स्ट्रेंथ और ग्रेन साइज को लिमिट करता है, और जो भी फ्रैक्चर होते हैं उसको रेजिस्ट करता है। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील देखिए, क्रोमियम इज द मेन एलॉयिंग एलिमेंट। 10 से 25% तक, मतलब 25% तक हम क्रोमियम ऐड करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। अगर क्रोमियम ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस हमको मिलता है। सोचिए कि जस्ट एबव 11%, 11 जस्ट ऊपर जाएंगे, अगर 11% से ज़्यादा आप क्रोमियम ऐड करते हैं तो जो करोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है 200 टाइम्स, मतलब 200 गुना बढ़ जाता है माइल्ड स्टील पे, बस 11% आप क्रोमियम ऐड करने पे। इसी तरह आपको एडिंग क्रोमियम डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए, क्रोमियम ऐड करने से कोई भी स्ट्रेंथ में चेंजेस नहीं आते, बस आपका करोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है। फिर आपका देखिए 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लो कार्बन स्टील। अब कैसे आपको मिलेगा ये स्टेनलेस स्टील? तो देखिए, लो कार्बन स्टील है अगर आपके पास, उसमें आप ऐड कर दिए 10 से 25% आप क्रोमियम ऐड करेंगे तो आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा। फिर अगर आपके पास मीडियम कार्बन स्टील है, उसमें आप 10 से 15% ऐड कर दीजिए क्रोमियम तो आपको स्टील मिल जाए, स्टेनलेस स्टील मिलेगा। फिर आपका हाई कार्बन स्टील है तो वहाँ पे आप 5 से 10% ऐड कर देंगे क्रोमियम तो आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। तो एक तरह से टोटल ये आपका फ्लो चार्ट टाइप का हो गया कि लो कार्बन स्टील है तो आप उसमें 10 से 25% ऐड कर दीजिए, अगर आपके पास मीडियम कार्बन स्टील है तो 10 से 15% ऐड कर दीजिए, अगर आपके पास हाई कार्बन स्टील है तो 5 से 10% ऐड कर देंगे तो आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के टाइप के। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील डिपेंड करता है कि क्रोमियम के कितना परसेंटेज आप ऐड करें उस पर, और उसके बाद निकिल कितना ऐड करें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टील बनेगा। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जो कंपोजिशन होता है कार्बन का 0.09%। फेरेटिक नाम दिया क्योंकि यहाँ पे कार्बन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट फेराइट का कंटेंट ज्यादा, इसलिए इसको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बोला गया। और क्रोमियम कंटेंट 13 से 20% है। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू लोअर लो कार्बन स्टील, एलसीएस मतलब लो कार्बन स्टील। अब क्रोमियम हमने 13 से 20% ऐड किया है तो हाई करोशन रेजिस्टेंट 11% तो 200 गुना बढ़ जाता है, तो यहाँ 400 गुना बढ़ जाता है। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे 11% ऐड करने पे 200 गुना बढ़ जाता है, तो आप 13 से 20% ऐड करें क्रोमियम तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करोशन रेजिस्टेंट रहेगा। फिर आपका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा हो जाता है, और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन आएगा आगे, वहाँ पे आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने यहाँ पे बताया हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, आपको वहाँ पे गेस करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो वहाँ पे आप गेस कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपके ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, वहाँ पे ऑस्टेनाइट का कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए इसको बोल दिया ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.06 से 0.12% होता है कार्बन। क्रोमियम ऐड करते हैं 18 से 25%, उसके बाद निकिल ऐड करते हैं 8%। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू लोअर लो कार्बन स्टील एलसीएस, क्योंकि आपका 0 से 0.25 तक लो कार्बन स्टील होता है, वहाँ तक ये आपको दिख रहा है कि 0.12 मैक्सिमम है यहाँ पे। फिर आपका हाई करोशन रेजिस्टेंस हो गया, गुड टफनेस मशीनेबिलिटी मिलती है, हाई इंपैक्ट शॉक रेजिस्टेंस, निकल ऐड किए तो उससे आपको स्ट्रेंथ और शॉक रेजिस्टेंस मिलने लगता है।
हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मिलता है। फिर आपके जो बनता क्या है इससे, इसको यूज करते हैं यूटेंसिल, मतलब बर्तन बनाने के लिए केमिकल पाइपलाइंस होते हैं या फिर केमिकल केमिकल इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है मर्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे मर्टेसाइट का कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए इसको बोला गया मर्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट होता है 0.3 से 1.5% तक, अब मतलब कि हाई कार्बन स्टील के रेंज में आ गया। फिर यहाँ पे क्रोमियम आप ऐड करते हैं 18% और निकेल ऐड होता है 8%। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू हाई कार्बन स्टील, हाई क्रोजन रेजिस्टेंस एज यूजुअल 18% क्रोमियम इज देयर, डक्टाइल एंड मशीनेबिलिटी इज इम्प्रूव। इससे क्या बनाते हैं नाइफ, मतलब चाकू बनाते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं इसी से बनते हैं, डेंटल या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका इनवर, जिसको इनवर बोलते हैं, इनवर स्टील या फिर आप कह सकते हैं लो थर्मल एक्सपेंशन स्टील, इसका नाम ही दिया गया है, इनवेरिएबल होता है। उसमें हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन करेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें बहुत ही थोड़ा एक्सपेंशन होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया लो थर्मल एक्सपेंशन स्टील। इनवायर मतलब इनवेरिएबल से वर्ड आया इनवर स्टील। तो कार्बन कंटेंट होता है इसमें 0.59%, क्रोमियम होता है 3 to 4%, मैंगनीज 5%, निकल 12%। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू हाई कार्बन स्टील, मीडियम टफ होता है, मशीनेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हाई करोजन रेजिस्टेंस होता है और उसके क्या बनाते हैं वॉल्व सीटिंग सिलेंडर हेड बोल्स ये सब बनाते हैं। अब एलॉय स्टील में आपका नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील, देखिए इसमें कार्बन कंटेंट होता है 0.7%, टंगस्टन डब्ल्यू मतलब टंगस्टन होता है 18%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1%। तो इसके चलते देखिए अब 0.7% कार्बन है तो यह हाई कार्बन स्टील के रेंज में आता है और इसका जो हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, टंगस्टन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी के चलते आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी मिलती है। और रेट और हाई हार्डनेस आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर पे उसकी हार्डनेस लूज नहीं होनी चाहिए, अब जब यहाँ पे हाई रेड हार्डनेस या फिर हॉट हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट एज यूजल टंगस्टन ऐड किए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, तो जब मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस ज़्यादा हो गया हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी हो गया तो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं कटिंग टूल्स में, क्योंकि कटिंग टूल में जब हम कटिंग करते हैं फ्रिक्शन के चलते बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, वहाँ पे अब रिक्वायरमेंट होती है कि हार्डनेस लूज नहीं होना चाहिए, टूल बिट आपका मेल्ट नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर पे स्टेबल रहना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल गई इसको टंगस्टन के चलते। और हाईली वेयर एंड करोशन रेजिस्टेंस होता है क्योंकि क्रोमियम आपने ऐड किया 4%। इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका मैराजिंग स्टील, जहाँ पे कार्बन का परसेंट होता है 0.2%, निकल होता है 20%, कोबाल्ट 8 से 12%, मॉलिबेडनम होता है 3 से 5% और टाइटेनियम होता है 0.2 to 0.6%। अब प्रॉपर्टीज़ की देखिए, लो कार्बन स्टील में आता है 0.2% कार्बन, तो लो कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज होती है इसमें। हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, अगेन ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, रेड हाई हार्डनेस मेंटेन रहती है, इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है, हाई फ्रैक्चर टफनेस होता है, हाई वेयर रेसिस्टेंस होता है। एलॉइंग कर रहे हैं, इतने सारे एलिमेंट एलॉइंग किए हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको सारी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जा रही है। अब यार अभी एक तरह से बहुत अच्छा एलॉय स्टील हो गया, तो इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजन और कंपोनेंट में, जो भी ब्लेड्स बनते हैं एरोस्पेस में उसके टर्बाइन की ब्लेड्स होती हैं वहाँ पे यूज होता है। फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज बाइसाइकिल्स के फ्रेम में बनाने में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका मशट स्टील, अब इसमें देखिए कार्बन परसेंटेज होता है 1.5 से 2.5%, टंगस्टन होता है 4 से 12%, मैंगनीज होता है 2 से 4%। अब हाई कार्बन स्टील का ये रेंज है और सेल्फ हार्डनिंग एयर हार्डनिंग इसको नाम दिया गया है इस स्टील को, क्योंकि ये खुद अपने आप हार्डनिंग हो जाता है, ऑटोमेटिक हार्डनिंग होती है इसकी। और ये हार्डर देन क्वंच स्टील, जो वाटर क्वंचिंग करते हैं हम स्टील की, उससे ज़्यादा हार्ड होता है और नॉन मैग्नेटिक होता है नेचर में। और हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, और क्या बनाते हैं इससे, किसके लिए यूज करते हैं, मशीन टूल, मिलिंग कटर, गियर कटर, सॉ ब्लेड्स। नेक्स्ट आपका हेडफील्ड स्टील, जिसको आप मैंगनीज एलॉय बोलते हैं, मैंगनीज स्टील बोलते हैं, मैंगा एलॉय बोलते हैं, जहाँ पे आपका कार्बन परसेंटेज होता है 0.8 से 1.2%, मैंगनीज होता है 11 से 15%। प्रॉपर्टीज आपका अगेन हाई कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज होती है मोस्टली, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ये, क्योंकि कार्बन कंटेंट आपका हाई कार्बन स्टील, हार्डनेस की बढ़ गई वहाँ पे। साथ ही साथ आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टफनेस एंड डक्टिलिटी, हाई वेयर रेजिस्टेंस और डिफिकल्ट टू मशीन, क्योंकि हार्डनेस बढ़ गया तो इसकी मशीनेबिलिटी कम हो जाती है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आज का लास्ट जो अलॉय स्टील है वो है ट्रिप स्टील, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक स्टील, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी स्टील, और एक तरह से हाई स्ट्रेंथ स्टील अलॉय होता है जो कि नेवल और मरीन एप्लीकेशन में यूज होता है।
या फिर ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रिपल फेज, तीनों फेज होते हैं, फेराइट होता है, बैनाइट होता है और रिटेन ऑस्टेनाइट होता है। इसके अंदर हार्डनेस आपका मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है, हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस डक्टिलिटी होती है, फिर आपका वेयर एंड कोरोशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और आपको बदने बताया नेवल या फिर मरीन एप्लीकेशन, मतलब मरीन मतलब जो समुद्र की चीज़ें होती हैं, जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको जो मैंने टॉपिक अभी थोड़े बहुत बताए हैं उन्हीं से क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। देखिए स्टील एक एलॉय है, ब्रॉन्ज एक सबसे पहला जो धरती पे इंसान आया था सबसे पहला एलॉय ब्रॉन्ज यूज किया था। याद रखिए क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, सबसे पहला एलॉय जो इंसान यूज किया था वो क्या था, ब्रॉन्ज था। तो स्टील एलॉय है, ब्रॉन्ज एलॉय है, ब्रास एलॉय, तो बचा क्या कॉपर। कॉपर एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो कॉपर इज नॉट एन एलॉय। एन एलॉय कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। एलॉय किस तरह का हो सकता है, इंटरमेटेलिक हो सकता है, हेटरोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है। तो देखिए तीनों तरह के हो सकता है, हेटरोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, इंटरमेटेलिक भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई बाय एडिंग क्रोमियम टू स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनहेंस। आपको बता रहा हूँ कब से कि क्या इनहेंस होता है क्रोमियम ऐड करने से, रेजिस्टेंस टू करोशन। बाई एडिंग सिलिकन टू स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेंस। देखिए उससे आपका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो जाती हैं। स्टेनलेस स्टील इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ हाई करोजन स्ट्रेंथ, क्योंकि हाई करोजन स्ट्रेस सॉरी यहाँ पे हाई करोजन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि करोशन होता नहीं है तो इसलिए वो स्टेनलेस रहता है, उसमें दाग धब्बे नहीं पड़ते, जब जंग लगी नहीं जाए तो वहाँ पे दाग धब्बे नहीं पड़ते, इसलिए इसको नाम दिया गया हाई करोजन स्टेनलेस स्टील नाम दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हाई करोजन स्ट्रेंथ या फिर रेजिस्टेंस। विच टाइप ऑफ स्टील रिक्वायर डेफिनेट अमाउंट ऑफ अदर एलॉइंग एलिमेंट। विच टाइप ऑफ स्टील रिक्वायर्स डेफिनेट अमाउंट ऑफ अदर एलॉइंग एलिमेंट। अब देखिए आपके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एलॉइंग स्टील के बारे में बता रहा हूँ, तो एक डेफिनेट अमाउंट चाहिए होता है अदर एलॉइंग एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के बारे में आपको बता दिए, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, जर्कोनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे मैंने आपको बताया, तो सबका एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलाइन करते हैं, किस में करते हैं, अलाइंग स्टील में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है अलाइंग स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट अलॉय स्टील। अलॉय स्टील के लिए क्या इसमें से ट्रू नहीं है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ता है, टफनेस बढ़ती है, फिर आपका इंक्रीजेस डक्टिलिटी वो भी बढ़ता है, बढ़ता है, रिड्यूसेस कॉस्ट। देखिए ऑब्वियसली नॉट आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जब आप इतने सारे एलिमेंट ऐड करें तो इसका कॉस्ट जरूर ही बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक तरह से रिड्यूस कॉस्ट। ऑप्शन हो गया आपका विच टाइप ऑफ स्टील रिक्वायर डेफिनेट अमाउंट ऑफ अदर एलॉइंग एलिमेंट। आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एलॉइंग स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द विलो इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ HSLA। पहले समझते हैं HSLA क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। HSLA हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील होता है, जिसका यूज करते हैं बिल्डिंग कॉलम्स में, ब्रिजेस बनाने में, ऑटोमोबाइल, प्रेशर वेसल। इससे क्या होता है, इसको यूज करने से क्या होता है कि आपका जो वेट होता है कंस्ट्रक्शन जो करते हैं उसका वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको बिल्डिंग बीम्स, ऑटोमोबाइल, ट्रेन, ब्रिजेस सब जगह दिखे, यहाँ पे हमको आपका वेट रिड्यूस करना है, तो ऑप्शन बचता है हमारा बी, लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग, हम इसको यूज नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इज स्टील कंटेनिंग मोर देन 10% ऑफ वन और मोर अलाउइंग एलिमेंट आर कॉल्ड एज हाई एलॉय स्टील। आपको बताया था 10 से ऊपर जाए हो तो हाई एलॉय स्टील हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलॉय स्टील कंटेनिंग 0.05 to 0.15% ऑफ एलॉइंग एलिमेंट आर कॉल्ड माइक्रो एलॉयड स्टील। मैंने इसके बारे में बताया था। इसी तरह आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलॉइंग एलिमेंट स्टेबलाइजेज ऑस्टेनाइट। मैंने आपको जब एलॉय का एक पूरा टावर बनाया था वहाँ पर आपको बताया था एलॉय स्टील के टावर में, तो आपका निकिल, मैंगनीज और कॉपर एक ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज AISI स्टील स्टैंड फॉर। देखिए AISI क्या होता है, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। विच इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील एलॉय। स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है तो क्रोमियम होता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ विच ऑफ द बिलो गिव्स स्टेनलेस स्टील एंड ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सोचिए इसमें आप क्या ऐड करेंगे स्टेनलेस स्टील में कि वो ऑस्टेनिटिक स्ट्रक्चर देता है, तो ऑब्वियसली जो उसको स्टेबलाइज करता है वही देता होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले स्लाइड में बताया कि निकल उसको स्टेबलाइज करता है, तो वहाँ पे जब स्टेबलाइज करता है रूम टेम्परेचर के बिलो तो आपको ज़्यादा कंटेंट में ऑस्टेनाइट मिलता है, तो ऑस्टेनाइट ज़्यादा मिला तो उसका स्ट्रक्चर भी वही मिलेगा आपको।
नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील विथ लिटिल कार्बन एंड नो निकिल और कार्ड, इसको बोलते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, क्योंकि कार्बन बहुत कम होता है उसमें, निकिल ऐड नहीं करते। आप चेक देख सकते हैं पिछले स्लाइड्स में तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील विथ हाई स्ट्रेंथ बट लो करोशन रेजिस्टेंस आर नोन एज, अब याद रखिए हाई स्ट्रेंथ बट लो करोशन रेजिस्टेंस आर नोन एज मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, उसका करोशन स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग और एप्लीकेशंस ऑफ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, मैंने आपको बताया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का यूज कहाँ पे करते हैं, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में। यहाँ पे मिल्क केटल, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, हीट एक्सचेंजर, पंप एंड वाल्व पार्ट्स, देखिए यहाँ पे ऑयल बर्नर पार्ट्स एंड फर्नेस एलिमेंट, याद रखिए ऑयल बर्नर, क्योंकि फेरेटिक स्टील है वहाँ पे आपका कार्बन कम है, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में तो यूज करते हैं लेकिन इतना हाई नहीं, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है वहाँ पे, और भी एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट की बात हो रही है, इंजन में बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कहाँ पे हमको देखना है, बहुत ही माइन्यूट से चेंजेज होते हैं तो वो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज मशर्ड स्टील बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ टूल स्टील, आपको बताया था एयर हार्डनिंग या फिर सेल्फ हार्डनिंग होता है। द लो कार्बन हाई अलॉयड स्टील विच पॉसेस हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस आर नोन एज, द लो कार्बन हाई अलॉय स्टील विच पॉसेस हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस इज नोन एज मैराजिंग स्टील, कि यहाँ पे कार्बन बहुत कम होता है और अदर अलॉयिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड स्टील आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, देखिए अल्ट्रा हाई स्पीड के जो स्टील होते हैं उसमें ऐड करते हैं वेनेडियम एंड कोबाल्ट, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी के लिए हम वेनेडियम एंड कोबाल्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सी ओ आर टी ई एन, उसका नाम क्या, उसको बोलते हैं वेदरिंग स्टील, याद रखिएगा इसको नाम दिया, बस नाम याद है ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें, बस एक कॉमन नाम दिया गया सी ओ आर या फिर कॉर्टेन स्टील, इसको बोलते हैं वेदरिंग स्टील। नेक्स्ट इज व्हाट डू ट्रिप स्टील स्टैंड फॉर, ट्रिप के बारे में आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हैटफील स्टील, आपको बताया था हैटफील स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर आपका ऑस्टेनेटिक होता है। सो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि जो भी वीडियोज हम अपडेट करें आप तक सबसे पहले पहुँचें। बने रहिए हमारे साथ इस तरह ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए, और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। थैंक यू सो मच।